अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका। और आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस पे रिएक्शन देने वाला हूँ। रमज़ान में एक ड्रामा जिसने मेरा दिल है ना, जो वो मज़ा आ गया मुझे देखे। वो कहते ना मेरा हाँ प्यार सर्दा, ठीक है, और उसको लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है छुप छुप के। यार मैंने पूरा ड्रामा देख चुका हूँ, और जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही अलग ड्रामा था। बात करेंगे ड्रामे की बाद में, तो आइए मिलकर देखते हैं छुप छुप के फुल ओएसटी हम टीवी ड्रामा। आई होप कि ये मेरे यूट्यूब पर ही अपलोड हो, नहीं हुआ तो फेसबुक पर होगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके ज़रूर देखिएगा। आई मिलकर देखते हैं ये, और आप लोगों की रिक्वेस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट नीचे भेजते रहें, उस पर रिएक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। हाँ, ये जब जा रही होती है मिलने, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। क्या कमाल के ड्रामा था यार, ये भी एक सही एक्टर है यार, सही निकली है। जान भी अपनी नाम तेरे कर दूं, खुशियों से आंचल तेरा मैं भर दूं। बात जो मैंने कहनी थी तुझसे, सोचता हूँ मैं आज ही कह दूँ। झूठी मोटी बातें करके मुझको सताते हो, खुद ही रूठ जाते हो तुम, खुद मान जाते हो। हाय हाय, मैं ऐसा ही हूँ। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता। मुझे लगता है मुझे आप लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस ने ड्रामा देखा था और किस किस को पसंद आया था, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रामा इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता। ये वह ड्रामा सोनो चंदा के बाद जिसको मैंने, यानी रमज़ान में आया, जो ऐसे सीज़न करते हैं जो मुझे बहुत, और इसके कहते जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके सीज़न टू का भी इंतज़ार है। पता नहीं क्यों मुझे कहते, मुझे लगता है कि इनको और बनाने चाहिए। ये ड्रामा मुझे सुनो चंदा से भी ऊपर के लेवल का लगा। उसकी वजह पता क्या थी, एक फैमिली का मेंबर, एक सब कुछ होना, मजाक हंसी सब कुछ था। सुनो चंदा में भी सब कुछ था, लेकिन उसमें प्यार और ये वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसमें मैं कहना चाहूँगा सारा ड्रामा अच्छा था। 10 एपिसोड के बाद थोड़ा स्लो हो गया था, ठीक है, पता नहीं वो किसी, क्योंकि सारी बात आप सबको पता, क्योंकि बीच में कुछ सीन हुआ था, तो हादी का और इसका कहते हैं मीनू और हादी तो भाई बहन थे ना, क्या नाम उसका, मिशी और हादी का फिर शुरू हो गया था, तो उसके बाद में सारी बात थोड़ा चक्कर हुआ था ख़राब। लेकिन ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा, जो कि मुझे इस ड्रामे में बेस्ट जो करेक्टर लगे, ठीक है, मीनू तो थी, फैजी भी था, ठीक है, उसके बाद क्या नाम उसका, हादी, जो कि ABS CBR कहते हैं उसे, यार यूट्यूबर हैं, उनकी मैंने वीडियोज़ का एक दो बार रिएक्शन भी
एक बार रिएक्शन भी दे चुका हूँ, मीनू हो गई, फैजी हो गया, हादी हो गया, मिशी हो गई, ठीक है। अब सबको ले लो यार, सबको सबके। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे एक करेक्टर ने बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, वो एक करेक्टर नहीं था, सारे करेक्टर इसमें खास थे, लेकिन एक की मैं बात करना चाहूँगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो थी मिडहा प्यासर्द। आपको याद होगा जो कि है दादी, जो कि अम्मा है, उनका मुझे करेक्टर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद दादी का भी अच्छा लगा, जो दूसरी साइड पे जो सोतनों का, उसका दोनों का करेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा जो इनके बड़े बहनोई थे, ठीक है, बड़े जीजा जी जो कि घर दमाद थे, वो तो मुझे एक कमाल ही लगते थे ना, ठीक है, वो भी बुआ वाले, ठीक है, वो भी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगे। अब बाकी बात करें गुल की, अपा गुल की, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी, कहते हैं, एक करेक्टर था। लेकिन मिशी की मैं कहना चाहूँगा, मिशी एक नया करेक्टर था, ठीक है, उसके बाद नया एक चेहरा, मैंने तो उसको पहली बार ही देखा, मुझे नहीं पता पहले कहीं पर थी या नहीं, लेकिन मैंने उसको पहली बार ही देखा, और जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी एक एक्ट्रेस लगी है, बहुत ही ज़बरदस्त, और मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, ठीक है। जहाँ तक बात की अरसलान अरसलान की, जो कि कहते हैं उसका यूट्यूबर है, जो कि हादी बने हुए थे, उनकी बात करूँ तो वो एक कहते हैं कि यूट्यूब पर आए थे, उन्होंने एक अपने आप को बनाया, एक शो किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको ऐसे रोस्टिंग करते हुए ये वो देखे, लेकिन एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा, और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। मैं स्पेशली उनका फ़ैन था पहले, अब तो और भी हो चुका हूँ, ख़ासतौर पर इस ड्रामे की वजह से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और इसमें मानी आया था, मानी का तो थोड़ा करेक्टर मुझे ठीक ही था, ओके, मज़े वाला था, लेकिन वो ज़्यादा आया नहीं तो इसलिए नहीं। तो बाकी उसके अलावा एक और थी जो कि इंस्टाग्राम वाली थी, मिर्ची, मिर्ची नाम था ना उसका, मिर्ची चश्मे वाली, उसने हर कोई स्टोरी जाननी है, वो समझ लो उसको सोशल मीडिया का कीड़ा था, कीड़ा, ठीक है। लेकिन ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला, बहुत ही मज़े वाला, मैंने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, पूरा ड्रामा देखा है मैंने, आप लोगों ने देखा ही होगा, पसंद भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा इसमें, मीनू और फैजी कोई निकाल के, क्योंकि मीनू की बात करें तो उसने भी एक लेवल हाई अपना एक बना दिया इसमें भी, हालांकि सारे ड्रामे आयजा खान के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन उसने इसमें एक अपने आप को एक अलग ही करेक्टर में लेके आई, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चुलबुली से एक लड़की, ठीक है, फिर एंड में आगे थोड़ी सीरियस हो गई थी, लेकिन उसके अलावा बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त। अपने करेक्टर जो आपके फेवरेट हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे बताइएगा, बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मेरा हाँ प्यार दर्द है, आप सब्सक्राइब नहीं करते, हाँ प्यार मेरा हाँ कहता वो हाँ मेरा हाँ प्यार दर्द है, सब्सक्राइब कर दो ना यार, जाओ कहा के करो सब्सक्राइब, मुझे ऐसे ना देखो, ना छोड़ के जाओ मुझे, मैं पठान बन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है, प्यार और सपोर्ट दो। फुल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पीछे ने, चेक जरूर करिएगा जाके। दुआ में जरूर याद रखिएगा, लव यू, टेक केयर।